जय हो सरस्वती माता की, जय हो गणेश जी भगवान की जय। श्रोताओं, राजा नल का राज तिलक हो गया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो राजा के पिता थे वीरसेन, जिन्हें राजा प्रथम कहा जाता था, फिर रानी मंझा से उन्होंने कहा, हे रानी, मुझे आज अपने हाथ से भोजन खिलाओ, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए हैं, 20-30 साल लगभग, उससे तब से आज तक मैंने आपके हाथों का भोजन नहीं खाया। रानी मंझा ने कहा, हे राजा, आप मेरे हाथ का भोजन ग्रहण ना करें, क्योंकि मैं अपवित्र हो गई हूँ, मतलब मुझे छूने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझे जल्लादों ने पकड़ा और मेरे जो पतिव्रता स्त्री के ऊपर अगर किसी भी शरीर को किसी अगर टच कर दे तो अपवित्र हो जाती है। फिर राजा ने कहा, बताओ इसका क्या उपाय होगा। रानी ने कहा चलो पहले गंगा जी नहाए, उसके बाद मैं आपको भोजन खिलाऊंगी। राजा की बात थी, राजा ने तैयारियां सारी कर दी, अपनी फौज सजा ली, 50,000 सैनिक सजा लिए और चलते चलते चल दिए, गढ़गंगा पे पहुंच गए। श्रोताओं, गढ़गंगा पे 52 गढ़ों के राजा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जो अमावस्या है, एक सोमवती अमावस्या आती है, उसी का सब लोग इंतज़ार करते थे कि क्या आएगी, उसी दिन का इंतज़ार था। सब लोगों ने अपना अपना वहाँ तंबू और दरबार लगाना चालू कर दिया, इंतज़ार करने लगे, क्योंकि बहुत सारे तंबू लगे थे। उधर वहाँ एक राजा था, फूल सिंह पंजाबी, वो बहुत बड़ा राजा था। फूल सिंह पंजाबी वो कंपिलगढ़ का नरेश था, और गढ़गंगा पर नहाने के लिए भी वो भी आया था, क्योंकि जो कंपलगढ़ का राजा था वो बहुत बलवान था, क्योंकि उसके साथ में महाकाली महाचंडी उसके साथ में तलवार चलाती थी, और उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था सावित्री, वो जादूगरनी थी, उसे भी कई विद्याओं का ज्ञान था, उससे कोई जीत नहीं सकता था। श्रोताओं, प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि श्रोताओं, फिर एक दिन की बात है कि जो रानी मंजा थी वो नाप से घूम रही थी, उधर उसकी फूल सिंह की पंजाबी की बेटी जिसका नाम सावित्री थी वो भी घूम रही थी। जब घूमते घूमते जो गंगा में उनका आपस में नाप टकरा जाती है, तभी वो लड़की कहती है उससे, रानी मंजा से, कि चल तो मेरी माँ मंजा मेरे पिता के साथ चल, फिर उसके बाद में जो राजा नल की पत्नी कह रही है कि चलो तुम हमारी बेटा होता तुम्हें अभी ब्याह के ले जाता। इतनी बात सुनकर रानी मंजा क्रोधित हो गई, उसने सुनी अनसुनी कर दी, उसने कि चल कोई बात नहीं। मगर वो गुस्सैल थी, जो सावित्री थी बिल्कुल रावण की बहन सूपनखा जैसी थी। फिर वो वहाँ से अपने पिता के पास चली आई कि पिता, ऐसी ऐसी बात है कि फला फला राजा की रानी ने ऐसा कह दिया कि अगर आप मेरे बेटे के साथ चलोगे, ऐसी कितनी हिम्मत है उसमें। राजा ने कह दिया, फूल सिंह पंजाबी ने, चलो उससे मैं युद्ध करूँगा रणभूमि में। श्रोताओं, वीडियो लंबी हो रही है, आगे उसने लेटर लिख दिया है, पत्रवाहक को भेज दिया है कि राजा मुझे युद्ध लड़ना है। जो गढ़गंगा पे राजा प्रथम का कैंप लगा था वहाँ वो चिट्ठी लेकर पहुँच गया है। श्रोताओं, आगे की वीडियो मैं अगले भाग में सुनाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।